मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, आप कैसे हैं बेटा? हमने चैप्टर 11 सिंपल इंटरेस्ट की इंट्रोडक्शन कर ली थी, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें और ओपन योर नोटबुक आल्सो। सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज बनती है 11.1, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 11.1। चैप्टर 11 आपका सिंपल इंटरेस्ट का है। मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज करवाए थे, याद होंगे आपको, साधारण ब्याज, एक्सरसाइज 11.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हेडिंग है आपकी, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है इसका, ए पार्ट है आपका, रुपीज 3000 है, 4 ईयर्स का है एंड 5% पर एनुअम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम करेंगे, ए पार्ट हो गया, अब इसका बी पार्ट देखिए। दोनों क्वेश्चन हम साथ साथ करेंगे। रुपीज 500 है 3 ईयर्स के लिए, टाइम 3 ईयर्स का हो गया एट 6%, तो रेट हमारी क्या होगी 6%। तो अभी हम इसके ए और बी पार्ट करेंगे बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। अब इसका फार्मूला देखिए क्या क्या है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इन्होंने कहा है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का पी इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो करिए, प्रिंसिपल हमारा 3000 है, रेट हमारा परसेंट वाली होती है 5 है, टाइम हमारा 4 ईयर्स है। बस आपको इसको अप्लाई करना है, 20 से 20 कट के। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 3 15 150 150 को 600 रुपीज, दिस इज आवर आंसर। देखिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल हमारा ये 3000 है, रेट हमारा परसेंट में होती है 5% है, टाइम हमारा 4 ईयर्स है इंटू 100, 20 से 20 कट गई, 30 को 5 से किया 150 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 600, दिस इज आवर आंसर। अब इसी प्रकार बी पार्ट है इसका, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 500 इंटू हमारा रेट 6% वाला होता है, टाइम 3 ईयर्स है इंटू 100, 20 से 20 कट करिए, 5 6 30 30 3 19, बिल्कुल ठीक है, इतने रुपीज हमारा आंसर। सिंपल है ना बेटा, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम योर इन योर नोटबुक फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखें, ये है आपका क्वेश्चन, बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली बेटा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी पार्ट, ए एंड बी पार्ट। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट, क्या करेंगे इसका सी पार्ट। सबसे पहले हम डिजिट लिखेंगे, आपके अपने पास बुक है, आप अपनी बुक से देख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट को। सी है इसका, रुपीज 1400 फॉर, रुपीज 1400
इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले रुपीज 1400 फॉर 3 1/2 ईयर्स के लिए एट 4 1/2% पर एनुअल। ओके स्टूडेंट्स, तो करिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमारा कितना था 1400 इनटू रेट हमारा क्या था, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 4 8 9 9/2 इनटू में 2 3 6 7 7/2। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपने इसको क्या करना अपॉन 100 का 100 इसके लिए जगह से मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए, करिए इसको। अब है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कटिंग होती है तो कटिंग करेंगे, नहीं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करिए इसका सी पार्ट है आपके सामने, 1400 9 × 7 100 2 × 100 बिल्कुल ठीक है, 2 0 से 2 0 2 7 ज़ा 14 2 की टेबल ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 टू की टेबल में 9 या 7 या इनको इनको मल्टीप्लाई करिए, 7 7 ज़ा 49 49 7 ज़ा 4 4 1 अपॉन में क्या गया ये 2 का 2, इसको डिवाइड करिए, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 कितने 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10 इतने रुपीज़ आपका आंसर। मैं आपको इसको डिवाइड करके भी दिखाती हूँ, 4 4 1 को 2 से 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 1 लगाया 0 लगा के पॉइंट लगाया गया 0 2 5 ज़ा 10 जैसे अगर नेक्स्ट टाइम 0 लगा सकते 2 20.50। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं और डिवाइड करके भी। अब है आपका डी पार्ट, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है, अब है आपका डी पार्ट। स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले डी पार्ट की, सब बच्चे ध्यान से अपनी बुक से स्टेटमेंट लिखेंगे। रुपीज 2400 फॉर 6 months एट 4% पर एनुअल। तो करिए इसको बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे, पहले प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। 1 marks तो इसी का होता है बेटा, इसको अप्लाई करिए, प्रिंसिपल हमारा 2400 रुपये, रेट हमारा है 4%, टाइम 6 months का है अपॉन में 100। ओके स्टूडेंट्स, करिए इसको, सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसको, करिए अपने आप सॉल्व करिए, 2 minutes है आपके पास, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, 2 minutes है आपके पास। सिक्स मंथ्स का था तो इसमें क्या लगाएंगे हम, नीचे मंथ्स लगाएंगे, अकाउंट में क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, करिए इसको, 2 0 से 2 0 6 2 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 24 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 48 रुपीज़, दिस इज आवर आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी डी पार्ट, सब अच्छे ध्यान से लिखेंगे राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैकबोर्ड।
सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सब बच्चे ध्यान से कर लीजिए पहले। अब जिनके पास बुक्स हैं आप बुक्स में से करेंगे। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुक से रीड करेंगे। रीड योर सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड ऑन 4850 फॉर 5 years एट द रेट 12% पर एनुअल। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन इज, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन के आपके ABCD पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर टू इज, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, स्टेटमेंट आप बुक से उतारेंगे और आंसर जो हम करवाएंगे उसको अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, तो हमें क्या निकालना है, पहले आपको प्रिंसिपल बताओ, 4850 है, टाइम हमारा है 4850 है, टाइम हमारा है 5 years और रेट हमारा है 12%। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारा 4850 है, इनटू रेट हमारा 12 है, टाइम 5 years है, इनटू 100। करिए इसको अप्लाई, 0 से 0, 5 2s are 10, 2 6s are 12। अब 4850 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 485 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5s are 30, 29 10, कितना आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके 29 10, इतने रुपीज आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है, हमें अमाउंट में निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट में निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम इधर जाएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल जो भी हो, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस करना है। तो हमारे पास 4850 में हमने 2910 क्या करना है, प्लस करिए, 0 6 8 6 17 4 2 5 6 7 7 7 6 0, इतनी रुपीज, दिस इज आवर आंसर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, 2 मिनट्स हैं आपके पास, राइट केयरफुली द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, पहले हम बुक से रीड करेंगे बेटा, देन उसको अप्लाई करेंगे। ए मैन बोरो रुपीज 800 फ्रॉम एक्सिस बैंक ए पीरियड ऑफ 4 1/2 years, फाइंड अमाउंट, अमाउंट भी निकालना है, ही वुड पे इंटरेस्ट 6% पर एनुअल। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल 1800, टाइम आपका है 4 1/2 years एंड रेट कितना है 6%। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, यही अप्लाई कर देते हैं इसको, 1800 इंटू रेट हमारा 6% है, 4 1/2 अपॉन में 100। तो करिए यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं 2 4s are 8 और 9/2, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 9/2। ओके स्टूडेंट्स, करिए इसको मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गई, 2 3s are 6, 18 3 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आपका, 54 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 486 रुपीज़ का 486 रुपीज़ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट,
अमाउंट निकालने के लिए क्या करता है, प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना है 1800, इसमें प्लस करना है 486, तो 1800 में 486 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6812। इतने रुपीज 2286, बिल्कुल ठीक है, दिस इज आवर आंसर। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, जब तक कि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे आपके आंसर्स को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, आप जब भी रफ वर्क करके साइड में कर सकते हैं ताकि आप इजीली उसको कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे इस वर्क को। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय मनी लेंडर आफ्टर 3/1/2 ईयर्स फॉर ए लेंडिंग रुपीज 4400 एट द रेट ऑफ 6% पर एनुअल। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 इज, सब बच्चों ने कर लिया बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 इज। इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास प्रिंसिपल है 4400, रेट है आपका 6% और टाइम है आपका 3/1/2 ईयर्स। अब इसका सॉल्व करेंगे, 2 3 6 7/2 ईयर्स। तो करिए इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना था हमारा 4400, रेट कितना है 6, टाइम है 7/2 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 2 3 6। करिए 44 3 और 7 का मल्टीप्लाई कितना आता है, 44 को 3 से करते हैं पहले, 3 4 12 3 4 12 13, 7 से करिए 7 2 14, 924, बिल्कुल ठीक है जी, हमारा 94 रुपीज आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या करना था, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जो आया प्लस कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है हमारा 4400 में, इंटरेस्ट आया 924, करिए इसको प्लस 4 2 13 5 3 2 4, बिल्कुल ठीक है, इतने रुपीज आपका आंसर। तो आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन करवाई थी आपको स्पेशल बताया अमाउंट कैसे निकलता है प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका ये आ गया 924, प्रिंसिपल आपका था 440, इसमें हमने इसको क्या कर दिया प्लस, तो दिस इज आवर आंसर। तो ये है बेटा आपकी एक्सरसाइज 11.1। सब बच्चे ध्यान से करेंगे, राइट केयरफुली इन योर नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, दिस इज योर आंसर बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। तो ये था आपका चैप्टर 11, एक्सरसाइज 11.1। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। आपको ये जो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है या एक्स्ट्रा चीज़ करनी हो साइड में आप लाइन लगा कर सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आपने इसको क्या किया है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से रिलेटेड आपको ये चैप्टर था। आपको जो भी आप वर्क करते हैं, टाइम है, टाइम को समय कहते हैं, कैलेंडर आपको कैलेंडर कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज कहते हैं, मनी को धन कहते हैं, पैसा कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि इस टॉपिक को क्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। इंट्रोडक्शन ध्यान से देखें और इसके जो कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, उनको भी अच्छे से रिवाइज करें। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।